बारी है इंस्टॉलेशन की दोस्तों। ये Z2 वेरिएंट है, कंपनी इसे बेस वेरिएंट बोलती है, लेकिन हम इसे टॉप वेरिएंट में अपग्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये कार के अंदर हेडलाइट रिप्लेस की है। एग्जिस्टिंग जो है दोस्तों, ये ही हेडलाइट लग के आई थी, लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये थी कि प्रोजेक्टर्स नहीं थे एंड मैट्रिक्स इंडिकेटर नहीं था। और दोस्तों, फ्रंट से अगर टॉप वेरिएंट का लुक अगर हमें देना है तो ये हेडलाइट तो हमें रिप्लेस करनी ही पड़ेगी। लेकिन टॉप वेरिएंट की हेडलाइट का लुक एक स्टैंड आउट एक अलग ही आता है। अभी ये हेडलाइट हमने किस तरीके से इंस्टॉल की है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप चेकआउट कर सकते हैं, इसके कनेक्टर हैं ओरिजिनल महिंद्रा के। नॉट इवन अ सिंगल वायर आपकी कार के अंदर टेम्पर्ड है, एवरीथिंग कनेक्टर टू कनेक्टर हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। ये रही हेडलाइट। अब बारी है फोक लैंप्स की। ये कार में जेन्यून फोक लैंप्स विद द DRL नहीं लग के आए थे, वो भी हमने इंस्टॉल किए हैं, लेकिन ओरिजिनल कंपनी के स्विचेस के साथ। अभी ये जो फोक लैंप्स है दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें भी हमने कनेक्टर यूज़ किया हुआ है। नॉट इवन अ सिंगल वायर टेम्पर्ड है आपकी कार के अंदर, एवरीथिंग जो भी हम इंस्टॉल करते हैं कनेक्टर टू कनेक्टर के साथ है। अभी इसके ये एक्टिवेट कैसी हुई है दोस्तों, ये जो ओरिजिनल स्विचेस आते हैं कंपनी के, बाय डिफ़ॉल्ट ये आते ही हैं, इसमें आप ऑफ एंड ऑन आप चेकआउट कर सकते हैं। ये ऑफ मोड है, ये ऑन मोड है, ये हमने यही स्विच पे एक्टिवेट किए हुए हैं। ये कार के अंदर ORVM मिरर्स भी नहीं लग के आते हैं, वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं ओरिजिनल स्विचेस के साथ है दोस्तों। और इसकी वे ऑफ वर्किंग एक नेक्स्ट लेवल आती है। मिरर तो दोस्तों बहुत ही काम की चीज़ है और हमको तो इंस्टॉल करनी ही चाहिए। ये कार में जो ट्रिम्स है, हाई ग्लॉस ब्लैक कलर का हमने किया है। जो हैंडल्स हैं उसे भी मेटालिक गोल्ड कलर का हमने किया है दोस्तों। ये फील है और ये ज़रूरत है कार की। अगर एक लग्जूरियस, बाहर से तो हम इतना खर्चा करते हैं, लेकिन अंदर से अगर एक लग्जूरियस हमें फील चाहिए तो ये चीज़ तो हमको इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी। बारी है आउटर प्रोफाइल ऑफ द कार में। अभी आउटर प्रोफाइल ऐसा है दोस्तों, जो लोअर विंडो गार्निशिंग आती है ये कोई स्टिक ऑन नहीं आती है, ये रिप्लेस वाली आती है। अभी जैसे कि फ्रंट राइट में हमने इंस्टॉल की है, रियर में हमने इंस्टॉल नहीं की है। ये रिप्लेसेबल पार्ट्स आते हैं टॉप वेरिएंट के जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये कार के अंदर रूफ रेल्स भी नहीं लग के आती है, वो भी हमने महिंद्रा जेन्यून की इंस्टॉल की हुई है दोस्तों। ये कोई भी आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट नहीं है, एवरीथिंग महिंद्रा जेन्यून का है। डोर वाइजर भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। ये कार में फुटरेस्ट भी नहीं लग के आती है, वो भी हमने महिंद्रा जेन्यून की ही इंस्टॉल की हुई है। डोर वाइजर भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और रियर में जो सी क्रोम आता है वो भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया और लाजवाब चीज़ है। अब बारी है एलॉय की। इतना शानदार काम किया है तो एलॉय व्हील्स भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं, 17 इंचेस के जो डायमंड कट एलॉय व्हील आते हैं। आज पर्पस यही था दोस्तों, जैसे कि हेडलाइट्स हो गई, हर किसी की क्वेरी रहती है, सर आप कैसे फिट करेंगे, आप हमारे ओरिजिनल स्विचेस में एक्टिवेट करेंगे या नहीं करेंगे। एवरीथिंग करेंगे, एवरीथिंग कनेक्टर टू कनेक्टर है, वो आज आप लोगों को बता दिया। ये कार में स्पॉइलर भी नहीं लग के आता है, वो भी महिंद्रा जेन्यून का हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इंटीरियर तो मैं रेडी होने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा। यस, चारों भी डोर्स में हमने सोनी ES सीरीज के कॉम्पोनेंट इंस्टॉल किए हैं। प्रीमियम डैम्पिंग की हुई है। इसमें जो हैंडल्स हैं हमने सेम पेंट कराए हैं। मेरे पास जेन्यून टॉप वेरिएंट के हैंडल्स भी हैं आउटर, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो भी बता देना, वो भी है। ये कार के अंदर जो इंटीरियर हमने किया हुआ है विथ मेटालिक और हाई ग्लॉस ब्लैक का, अगर आपको जेन्यून रिप्लेसेबल पार्ट्स चाहिए तो वो भी है, लेकिन उसके अंदर हर चीज़ नहीं आती है। जैसे कि मुझे पूरा कंसोल करना था, रियर पोर्शन करना था, तो इसी के लिए कस्टमर को हमने सजेशन दिया कि हम लोग पूरी कार को कस्टमाइज इंटीरियर करेंगे। अब रेडी होने के बाद चलते हैं दोस्तों कि हमने, ये है हमारा Z2 वेरिएंट और हम इसे बोलते हैं गेस द मॉडल। अब चलते हैं रेडी होने के बाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्कॉर्पियो N टॉप वेरिएंट Z8L की काफ़ी सारी वेटिंग है।
कस्टमर हमारे पास आए, तनवीर सर इसकी वेटिंग तो बहुत सारी है, मिल नहीं रही है कार, लेकिन Z2 मिल रही है, क्या Z2 को आप गेज्जा मॉडल बना सकते हैं? मैंने बोला सर बिल्कुल बना सकते हैं, हम जाने ही जाते हैं गेज्जा मॉडल के लिए, तो प्राउडली आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करना चाहते हैं स्कॉर्पियो एन इन गेज्जा मॉडल, प्राउडली इसी के लिए क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, कंपनी इसे बोलती है Z2। द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में सबसे पहले मुझे टॉप वेरिएंट का अगर लुक देना था तो मुझे हेडलाइट को रिप्लेस करना था। इसके अंदर रेगुलर हेडलाइट ही लग के आती है। रेगुलर और टॉप वेरिएंट में क्या फ़र्क है? इसमें प्रोजेक्टर्स आते हैं और जो इंडिकेटर आता है वो मैट्रिक्स आता है, उसमें रेगुलर आते हैं, तो हमने टॉप वेरिएंट की हेडलाइट इंस्टॉल की है। हमने फ्रंट ग्रिल कुछ डिफरेंट, अगर कुछ अलग स्टैंड आउट चाहिए, इस इनर प्रोफाइल आप देख सकते हैं हाई ग्लॉस ब्लैक कलर का हमने ग्रिल के अंदर किया हुआ है और महिंद्रा जेन्युइन के क्रोम भी इंस्टॉल किए हैं, लेकिन जो अपर पोर्शन है इसे रिप्लेस किया हुआ है, ये कोई स्टिकॉन नहीं है दोस्तों, ये महिंद्रा जेन्युइन के टॉप वेरिएंट के क्रोम आते हैं। ये कार के अंदर फोक लैम्प्स भी नहीं लग के आते हैं, ये DRLs के साथ हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं, परफेक्टली कनेक्टर टू कनेक्टर। लेकिन ये कार में जो फ्रंट एंड बैक की जो स्किड प्लेट है वो नाइट एडिशन टाइप हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की हमने की है। मेरे पास सिल्वर कलर के पैनल्स भी हैं, लेकिन कस्टमर बोलता है ब्लैक कलर की कार में हाई ग्लॉस ब्लैक कलर कीजिए। साइड प्रोफाइल ऑफ द कार में सबसे पहली बात, ORVM मिरर्स ये कार में नहीं लग के आते हैं, वो भी हमने इंस्टॉल किए हैं। 17 इंचेस के अलॉय व्हील, एक लुक तो देखिए किस तरीके से आता है। हमारे पास 18 इंचेस भी अलॉय व्हील रेडी है, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कस्टमर को टायर चेंज नहीं करने थे। ये कार में फुटस्टेप भी नहीं लग के आती है, वो भी महिंद्रा जेन्युइन की हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है, और रूफ रेल्स भी महिंद्रा जेन्युइन की ही हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। डोर वाइजर, लोअर विंडो गार्निश रिप्लेस वाली है, ये कोई स्टिकॉन नहीं है, एंड सी क्रोम भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। एक साइड प्रोफाइल ऑफ द कार देख के तो कोई बोल सकता है कि ये बेस वेरिएंट है, हाँ उनको सनरूफ की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, तो वो बोले कि Z2 से अच्छा क्या है, और Z2 में और Z8 में काफ़ी रेट का भी फ़र्क है, तो वो हिसाब से गेज्जा मॉडल तो बनती है दोस्तों। रियर प्रोफाइल ऑफ द कार में हमने स्पॉइलर भी ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। हमारे पास टेल लाइट भी आ गई है, लेकिन कस्टमर ने बोला इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। रियर की भी जो स्किड प्लेट है वो हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की हमने की है, और ये कार में कैमरा नहीं लग के आता है, वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। सुपर लग्जूरियस इंटीरियर में, बाहर से अगर इतना धूम धड़ाका किया है, अंदर से तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी डोर की लेदर रैपिंग अप एंड डाउन, ये भी लेदर रैपिंग है दोस्तों, एक एक फिट, एक एक फिनिशिंग तो देखिए, नहीं तो ज़्यादातर हम ये नीचे ही करते हैं, ऊपर का पोर्शन छोड़ देते हैं, अप एंड डाउन दोनों भी किया है। ऑल द पावर विंडो की जो ट्रिम्स है वो हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की हमने की है। आप इनर हैंडल्स आप देख सकते हैं, इनर पोर्शन भी हाई ग्लॉस ब्लैक कलर का है, और ग्रैप हैंडल भी मेटालिक हमने किए हुए हैं। दोस्तों कोई कसर लग्जूरियस में हमने नहीं छोड़ी है, बिफोर के शूट पर आप देख चुके हो कि ये कार किस तरीके से हमारे पास आई थी। हमारी सीट कवर की फिट एंड फिनिशिंग सेम इंटीरियर कलर विद द सेंटर परफोरेशन के साथ आप देख सकते हैं। रियर के जो पैनल्स हैं वो भी हमने हाई ग्लॉस ब्लैक कलर के किए हुए हैं, सेम कलर की मैट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की हुई है। लेकिन रियर डोर एक्टिव एम्बियन लाइटिंग विद द मेटालिक हाई ग्लॉस ब्लैक, दिस इज द नेक्स्ट लेवल, ये से बोलते हैं हम लग्जूरियस। ये कार के अंदर ORVM मिरर्स भी हमने इंस्टॉल किए हुए हैं दोस्तों, जो परफेक्टली वर्क होते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। मिरर की वर्किंग भी आप देख सकते हैं दोस्तों, परफेक्टली पूरे वर्क होते हैं। जो ट्रिम्स हैं दोस्तों, इसे भी हाई ग्लॉस ब्लैक, इनर हैंडल्स एंड ग्रैब हैंडल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारी सीट कवर की फिट फिनिशिंग, हम किस तरीके से सीट कवर को इंस्टॉल करते हैं, तरीका क्या है हमारा काम करने का, यही तो प्रेजेंट करते हैं। जो कंसोल का एरिया है इसे भी हमने हाई ग्लॉस ब्लैक कलर का किया है, ये तो रेगुलर रॉ फिनिश का ही आता था, और यस
प्लेयर का हिस्सा भी हमने लग्जूरियस करने में कोई चीज़ की कसर नहीं रखी हुई है। स्टेयरिंग का लेदर रैप किया है, लेकिन दोस्तों नज़र आप लोगों की गई कि नहीं गई, ग्रैब हैंडल्स भी ये कार में नहीं लग के आते हैं, वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। और जो टॉप वेरिएंट के जो ट्यूटर के सैश विद द ट्यूटर के साथ भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। एक एक हमारी डैशबोर्ड की स्टिचिंग वर्क, परफेक्शन ऑफ वर्क, ये हमने काम किया हुआ है दोस्तों। कंपनी का भी काम देख लीजिए और ये भी चीज़ देख लीजिए, कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। परफेक्शन ऑफ वर्क हम किस तरीके से करते हैं, एक एक आप कंसोल का एरिया भी और स्टिचिंग वर्क, जो अप डाउन कंसोल के जो हिस्से हैं, एसी के वेंट्स हम मेटालिक भी कर सकते थे, लेकिन मेरे को एक ऐसा प्रेजेंट करना था क्योंकि ये एसी के पैनल ब्लैक आते हैं, तो एक मर्ज करना था मुझे, तो ये भी हमारे गेट्स द मॉडल में शामिल हो चुका है। ये ग्रैब हैंडल्स बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, सब लगा दिया लेकिन ये अगर ग्रैब हैंडल नहीं लगे हैं तो कोई मतलब नहीं है। हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ये कार के अंदर आ चुकी है, हम इंस्टॉल करेंगे। ये कार के अंदर हमने जो सनग्लास होल्डर भी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, वो भी हम करेंगे। तो अब ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद एक नेक्स्ट लेवल है। आप कैमरे की भी क्लियरिटी आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों कि हमने एक्टिवेट प्रॉपरली पूरा किया है। और यस, सोनी ES सीरीज़ के हमने चारों कोएक्सल्स इंस्टॉल किए हैं, एंड यस प्रीमियम डैम्पिंग भी हमने ये कार के अंदर की हुई है। ओनर ऑफ द कार सिराज भाई एक ही बात मुझे बोली, आप हर एक कार को बेस्ट टॉप बनाते हो, एक मेरी इच्छा है तनवीर भाई आप ये मेरे प्रोजेक्ट को लीजिए और प्रॉपरली इसे गेस्ट द मॉडल बनाइए, क्योंकि आपका काम हम देख चुके हैं किस तरीके का है। द प्राउड ओनर स्कॉर्पियो एंड गेस्ट द मॉडल के सिराज भाई हमारे साथ है। जैसे कि आप जानते हैं, हम जाने जाते हैं अपने गेस्ट द मॉडल की, आपने क्रेटा, किया, कैरेंस, एटिका सब देखी, अब बारी थी स्कॉर्पियो एन की, काफी डिमांड है और ये वेरिएंट जो है Z2 वैल्यू फॉर मनी है। सिराज भाई का कैसा रहा एक्सपीरियंस, गाड़ी देख के तो चौंक गए, पहचान ही नहीं पाए कि ये गाड़ी कौन सी है और क्या है। सिराज भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत जबरदस्त रहा, मैं देख के पहचान नहीं पाया मेरी गाड़ी है नहीं, और तनवीर भाई ने दिल से काम किए, बहुत जबरदस्त पूरी लग्जरी करके दे दिए मेरे को, टॉप मॉडल, खुश हूँ मैं इनसे, बहुत खुश हूँ। कैसा रहा? बहुत अच्छी बनाए गाड़ी, जेन्युइन है, सब काम अच्छा किए, थैंक यू। अब ये तुम्हारे वीडियो के बाद है ना, इसकी भी बहुत लाइन लग जाएगी, इसमें गेस्ट द मॉडल मतलब सिराज भाई 95% सब महिंद्रा जेन्युइन आइटम आपकी कार के अंदर लगे। फ्रंट प्रोफाइल देख लो, ग्रिल, हेडलाइट, फोक लाइट, अलॉय व्हील, ईच एंड एवरीथिंग, स्पॉइलर वॉयलर सब आपकी कार के अंदर हमने इंस्टॉल किया है। लेकिन थैंक यू जो आप लोगों ने ईच एंड एवरी कार के लिए हमें सपोर्ट दिया है, थैंक यू सिराज भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये स्कॉर्पियो एन गेस्ट द मॉडल आपको किस तरीके से लगी है दोस्तों, कमेंट जरूर बनता है। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।